नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है आज केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। बजट पेश करने के बाद तमाम दलों की प्रतिक्रिया आ रही है। बिहार बीजेपी के नेता और प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने बजट को विकास उन्मुखी बताया है और कहा है कि ये बजट गरीबों के लिए है, गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर सरकार ने इस बजट को बनाया है। इस बजट में खास करके नौकरी पेशा वाले लोगों को ध्यान रखा गया है। सुनिए प्रेम रंजन पटेल क्या कह रहे हैं बजट के बारे में। देखिए, आज बहुत ही बेहतर बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है संसद के अंदर में। यह बजट देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला पर विशेष जोर दिया गया है और सबसे बड़ी राहत इनकम टैक्स में स्लैब में बढ़ोतरी, यह मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। और जो समाज के कमजोर तबके के लोग हैं उनके विकास के लिए कई प्रकार की योजनाएं की राशि में बढ़ोतरी करना, यह अपने आप में यह दर्शाता है कि सरकार गरीब कल्याण पर आधारित सरकार है, गरीबों के हितों के लिए बजट के माध्यम से काम कर रही है और आगे भी अपने इरादों को बजट के माध्यम से उसने जताने का काम किया। एक तरफ सत्ता पक्ष के नेता, बीजेपी के नेता, जहां बजट को गरीबों उन्मुखी बता रहे हैं, गरीबों के लिए बनाया गया बजट बता रहे हैं, वहीं विरोधी दलों के नेता का कहना है कि ये बजट गरीबों को और गरीब बनाएगा, गरीबों के हितों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। आरजेडी के नेता श्याम रजक ऐसा ही दावा कर रहे हैं। देखिए, ये जो बजट है दिशाहीन, लोगों को और गरीब बनाना और देश की सुरक्षा को खतरा और गरीबों के लिए ये और असहाय बनाने वाला बजट है और बिहार के लिए तो सबसे खतरनाक। हम लोगों ये मानते थे, चाहते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें। बिहार अपने संसाधन से मजबूत हो रहा है, लेकिन आप देखिए जो आर्थिक सर्वेक्षण कल रिपोर्ट आई है, आर्थिक सर्वेक्षण में क्या है कि बिहार की स्थिति और देश की स्थिति, जो हमारा मुद्रा स्फीति है वो घट रहा है। घट रहा है तो क्या होगा, रुपए की अवमूल्यन हो गया, सारा कुछ स्थिति ये ख़राब है, तो क्या आप कर पाएंगे? आप कह रहे हैं कि हम एक साल और मुफ्त अनाज देंगे। मुफ्त अनाज दे करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं? किसान जो उत्पादन कर रहा है, आपने कहा था कि उनको लाभ का दुगना देंगे, तो उनको लाभ का तो दुगना तो दूर रहा, लाभ भी नहीं मिल पाएगा जो उत्पादन कर रहा है, और उसके उत्पादन सामग्री को आप गरीबों को बांटने का काम कर रहे हैं और ये दिखला रहे हैं कि हम गरीबों के हित वाले हैं। तो आप यहाँ की जनता कोई भिखारी तो है नहीं, आप उनको स्वावलंबन बनाइए, उनको मजबूत बनाइए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते। बिहार के बिना विकास हुए, बिहार को बिना सशक्त हुए, देश सशक्त नहीं हो सकता, विश्वगुरु नहीं हो सकता। हाँ, सपना देख सकते हैं कि विश्वगुरु हो गया, तो यहाँ कहा जाए कि लबो लबाब की कुछ नहीं है, चुनावी रंग में रंगा हुआ, जिस तरह से भेड़िया शेर का ओढ़ कर कर करके और ये दिखलाता है कि मैं शेर हो गया, उसी तरह से ये जो है शेर रूपी जो दानव है, ये दानव जो है वो बढ़िया से कपड़ा पहन कर करके दिखला रहा है कि हम गरीबों के हित वाले। ये गरीबों को मारने वाली ये बजट है, चुनावी बजट, और ये बजट के बाद जनता तय भी कर चुकी है कि इस बार उनका अंतिम बजट है।